था सेम वैसे ही क्वेश्चंस. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द सैंपल पेपर क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड. यस, नाउ द स्लाइसिंग आउटपुट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. Now this was asked in the sample paper, so note down the question. Print. Okay, ma'am. S:5. Next is print. This is the first one. Number one में इसको इसका output लिखोगे. Second will be print. S:5:3. Next, print S:-5. Next, print S:-5. So this same as NumPy, you have already done NumPy. Now colon 5, मतलब क्या हो रहा है? इसका आंसर क्या आएगा colon 5 में? Colon मतलब start value. हाँ बोलो. हाँ print हो जाएगा. Zero से लेकर four element तक होगा. Zero से लेके 40, 10 से लेके 40 तक होगा. Zero से लेके 4, तो zero से लेके 4 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो ये पूरा आ जा रहा है. ठीक है, तो इसको जब रन कराओगे तो इसका आउटपुट क्या आ गया? 0 से लेके 4 पूरा आ गया. सेकंड का आउटपुट क्या आएगा बोलो? सेकंड का 3:40 40 और 50. हाँ, स्टार्ट वैल्यू कितना है? 3 है, तो 0, 1, 2, 3 स्टार्ट वैल्यू इज 3 और एंड वैल्यू स्टॉप वैल्यू नहीं दिया है, तो लास्ट तक जाएगा तो ये आ जाएगा 40 और 50. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला क्या आएगा? स्टार्ट वैल्यू नहीं है, सीधे -5 पीछे से आ जाएगा. 50, 40, 30, 20, 10. मैम जीरो पूरा ना होगा. मैम स्टेप वैल्यू नहीं दिया है तब वो उल्टा भी नहीं होगा. ये स्टार्ट कुछ नहीं है तो कहां से आएगा? स्टार्ट वैल्यू कितना होगा बाय डिफॉल्ट? जीरो होगा. ठीक है, और ये स्टॉप वैल्यू -5 है. -5 का मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये है ही नहीं हमारे पास, तो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी सेट आएगा. ठीक है, तो एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं हम लोग? सीरीज एम्प्टी सेट. ठीक है, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट खाली है, कुछ भी नहीं आया है, तो ये एम्प्टी सेट. ठीक है, और लास्ट वाला क्या है? -5 स्टार्ट वैल्यू है, एंड वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या आएगा बताओ? 10, 20, -5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो -5 मतलब इसके आगे, और कुछ भी नहीं है एंड वैल्यू मतलब आखिरी तक जाएगा, मतलब ये पूरे को प्रिंट कर रहा है. ठीक है, इंडेक्सिंग जब हम लोग कर रहे थे, देखो यहाँ पे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी है, तो सपोज यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40, 50 किया है, टाइम हो रहा है. ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं. तो इसका इंडेक्सिंग नॉर्मल इंडेक्सिंग हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पॉजिटिव वाला कैसे करते थे? 1, 2, 3, 4. ठीक है, और रिवर्स वाले में हम क्या करते थे? यहां से करते थे हम -1, -2, -3. -4, -5. ठीक है, ये हमारा रिवर्स हो गया.
यहां तक तुम लोग ऑलरेडी किए हुए हो लास्ट ईयर तुमने लिस्ट में भी किया है, उसके बाद तुमने नंपाई में भी किया है. तो इसमें जब हमने -5 डाला है स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो ये पूरे को प्रिंट किया इसमें, तो इसने ये पूरे को प्रिंट किया, ठीक है. और जब उसने सपोज स्टार्ट वैल्यू जो दिया था वो कुछ भी नहीं दिया है और -5 तक प्रिंट कराना है, स्टॉप वैल्यू दे दिया है, तो स्टॉप वैल्यू से एक पहले रुक जाता है हमेशा, ठीक है. इसीलिए उसने एम्प्टी सेट दिखाया. ये जो एम्प्टी सेट दिखाया है वो इसीलिए दिखाया क्योंकि -5 जीरो से लेके स्टार्ट से लेके -5 तक जाना था, तो -5 से एक पहले रुक जाएगा वो, ठीक है. -5 से एक पहले रुक जाएगा, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए उसने एम्प्टी सेट दिखाया. ये समझ लो ठीक से. देखो यहाँ अगर अगर 0:4 होगा तो क्या 10:40 होगा या फिर 10:50? 4 होगा तो 4 के एक पहले रुकेगा ना, उसका स्टॉप वैल्यू जो रहता अच्छा, है वो हमेशा +1 करके हम लिखते हैं ना, तो तुमको तो एक अच्छा, पहले हाँ, तो 10 से लेके 40 होगा, ठीक है. जब 0 यहाँ पे डाल दोगे 0:4 डाल के देख लो एक बार, प्रिंट कर दो प्रिंट, उसके बाद S0:4 डाल दो और इसको फिर जब रन कराओगे तो लास्ट वैल्यू 10 से लेके 40 आ गया, 50 प्रिंट नहीं होगा. हाँ मैम, हाँ मैम, ये समझ में?